नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एम कैफिन चोको कैफिन का फेस पैक का रिव्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है ये मुझे ग्लैमिगो बॉक्स में रिसीव हुआ था सितंबर मंथ की, एंड मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके सामने इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, एंड मैं यूज करके भी बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके का प्रोडक्ट है एंड ये किस तरीके से आपकी स्किन पे वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जान लेते हैं हमारा ये एम केफिन चोको केफिन फेस पैक किस टाइप से वर्क करता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ क्या है, इसकी प्राइस वगैरह क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो है 349 रुपीज, एंड ये है 25 ml का प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, हमको 25 ml का प्रोडक्ट मिलता है 349 रुपीज में। ये मुझे ग्लैमिगो बॉक्स में रिसीव हुआ था, एंड मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। मैंने इससे पहले इस फेस पैक को कभी यूज नहीं किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ्स की है। तो चलिए अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। फ्रेंड्स, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है प्योर चोको और प्योर कोको एंड एलोवेरा एंड कैफीन एक्सट्रैक्ट, कैरामेल, ग्लिसरीन जेल बेस, एक्वा अप्रूव्ड फ्रेग्रेंस कलर। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है इसके अंदर में एलोवेरा है, कोको पाउडर है, कैफीन है, सीवीड है एंड कैरामेल है। सो फ्रेंड्स, ये जेल बेस फेस पैक है। फ्रेंड्स, इसको यूज कैसे करना है, इसको हमें हमारे फेस को अच्छे से, जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी फेस पैक यूज करने से पहले हमें हमारा जो फेस है उसको एकदम क्लीन कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें हमारा फेस को अच्छे से क्लीन करके हमारे आई एरिया को स्किप करके फेस पे एंड नेक पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एंड देन 20 मिनट्स के लिए हमें इसे लीव कर देना है। देन हमें इसके ड्राई होने के बाद में इसको वॉश कर लेना है पानी से। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको ये इस तरीके का आता है, एंड यहाँ पे एक इस तरीके का कैप दिया गया है जिससे कि ये प्रोडक्ट जो है निकले नहीं एंड सिक्योर रहे। एंड फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा है, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल चॉकलेट जैसी है, एकदम चॉकलेट लग रहा है ये, बिल्कुल चॉकलेट की जैसी इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी फ्रेग्रेंस। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ आपको। ये बेसिकली ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो ड्राई स्किन के लिए आता है, एंड जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए अलग से ऑयली स्किन का भी एम केफिन चोको केफिन का ऑयली स्किन का भी फेस पैक है। तो आप की अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन वाला ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन वाला ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को मैं एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी अपने फेस पे, आप चाहे तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्रश से कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है। फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयली स्किन की भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन दोनों ही चोको एम केफिन चोको केफिन का फेस पैक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब मैं इसको 20 मिनट तक अपने फेस पर रखूंगी, एंड देन मैं इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश करूंगी। 20 मिनट्स के बाद भी अच्छे से वॉश कर लिया है, एंड फ्रेंड्स बिलीव मी बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये। फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है ये ड्राई स्किन वाला है, एंड इसका एक और आता है जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए होता है, वो ऑयली स्किन वाले नॉर्मल स्किन वाले बोथ यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला फेस पैक ट्राई करना चाहते हो तो जरूर एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस पैक है, मेरी तो स्किन कॉम्बिनेशन है लेकिन फिर भी मेरी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो दिया है। मुझे लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई फेस पैक लगाया,
कोई सेंसेशन नहीं है, बिल्कुल कूलिंग एक फेस पैक है, बहुत ही अच्छा लगता है लगाने के बाद में। एंड फ्रेंड्स बिल्कुल भी कोई सेंसेशन नहीं है, कोई रेडनेस या फिर कोई भी इचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होती इसको लगाने के बाद में। बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही अच्छा है, जेंटली आपके फेस को ग्लोई बनाता है, शाइनी बनाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एम केफिन चोको केफिन का ये ड्राई स्किन वाला फेस पैक आप यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसका ऑयली स्किन का भी आता है जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन लिए, ऑयली स्किन के लिए रहता है। सो फ्रेंड्स आप एक बार इस फेस पैक को पक्का ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू वीडियो जो कि था एम केफिन चोको केफिन का फेस पैक के ऊपर, ग्लो फेस पैक के ऊपर। सो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।